गाइस हम हैं पदुम में और समय हुआ है 8:40 एंड वी आर रेडी टू राइट। और हमारी पैकिंग हो चुकी है, ये देखिए मेरा पेनियर है और कपिल भाई भी तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। और ये हमारा सारा सामान। तो ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस है अपना पदुम में, और रात को लकली हमें मिल गया और इसका रेंट सिर्फ 500 रुपये है, लेकिन अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि अगर आपको खाली मिले तो ही ये देते हैं वरना मना कर देते हैं। कल 2-3 राइडर और भी आए तो उनको मना कर दिया। तो हमारा स्टे बढ़िया हो गया और खाना भी खा दिया था कल रात को। अब आज का प्लान बता दूं, मैं अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सीधा निकल लेंगे लेह की तरफ। और रूट कौन सा लेंगे ये डिपेंड है कि कौन सा रूट खुला है, क्योंकि लिंकशिट वाला भी कह रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे। उससे आगे एक और रूट है जो सिरसिला को मिलता है, शेंगला सिरसिला को, लिंकशिट भी कट जाएगा तो वो रूट खुला हुआ है। तो अब जाके ही पता चलेगा, क्योंकि नया रूट भी निम्मू वाला भी बंद कर रखा है, उसकी भी ब्लास्टिंग चल रही है। सर 3 दिन के लिए खुला था, यहाँ बता रहे हैं बस। तो बस अब देखते हैं, निकलते हैं पैकिंग करके, अभी गाड़ी पे अभी लोड करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस हम थे अभी टूरिस्ट गेस्ट हाउस पदुम में और अभी हमने चेकआउट कर लिया है, पेमेंट कर दी है, बस अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रात को स्टे किया और बाइक भी काफ़ी सेफ थी और रूम भी बहुत कोजी थे, बढ़िया थे हमारे रूम। बस इसमें सेल्फ सर्विस था, आपको कोई भी पानी भी लेना तो खुद ही लेना पड़ेगा, सारा काम सेल्फ सर्विस था। तो अब जा रहे हैं हम सीधा लेह को और समय हुआ है 9:15। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे आगे। तो 2021 में गस्किट होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने स्टे किया था, तब मुझे 1200 में कमरा मिला था 3 लोगों के लिए। आज ये 2000 रुपये मांग रहे थे, 1500 में दे रहे थे। तो अपने पुराने रेस्टोरेंट में आ गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने पराठा का ऑर्डर दिया था, चाय का ऑर्डर दिया था और थोड़े एग्स खाए। तो अब निकल पड़े हैं हम अपना जो ले का डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, बाइक के जो बैश प्लेट होती है नीचे उसके बोल्ट सारे गिर गए हैं, सिर्फ 1-2 बोल्ट पे पूरा टिका हुआ है। और इस रूट पे इतनी ऑफ रोडिंग है कि ये पूरा बैश प्लेट कहीं गिर जाएगा। अब मैं वही बाइक की दुकान देख रहा हूँ जहाँ लग सके हमारे ये बोल्ट। ये बाइक की शॉप कहाँ होगा, बाइक रिपेयरिंग। ये ना अले बोल्ट लगाना है, बोल्ट लगाना है। तो गाइस टेंशन वाला काम खत्म हो गया है। तो 4 बोल्ट गिरे हुए थे, 4 बोल्ट भाई ने लगा दिए हैं नीचे जो बैश प्लेट होती है, और अब सही हो गया काम। मैप लगाओ मैप। झूले कहाँ जा रहा है? ले ले कौन सा रहा? होटल में रहता है। हाँ जी कौन सा होटल में रहता है? होटल में इधर ये मार्केट में है। हाँ कितने आदमी है? हम दो ही। मिल गया। पदुम से निकल पड़े हैं, ये है पदुम विलेज, देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत है पदुम और जंस्कार वैली, अल्टीमेट है भाई, जरूर आए। और सामने एक मोनेस्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी और वहाँ से सनसेट व्यू बहुत नज़र आता है, प्यारा नज़र आता है। और इस ब्रिज से जाना पड़ेगा हमें। तो 2021 में जब मैं आया था यहाँ पे भी गया था गोम्पा में, और करसा यूनिवर्सिटी करसा गोम्पा है वहाँ पे भी गया था, सनी विलेज भी गया था, सनी लेक जो देखी वो तो अल्टीमेट है। तो ये 2-3 जगह हैं आपको एक्सप्लोर करने की। और जब हम आगे जाएंगे जांगला में एक पैलेस है देखने का। ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम जब
21 में हमने पुराना ब्रिज क्रॉस करा था, इस बार हम नया ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये जंस्कार रिवर जा रही है हमारे साथ। अब ये हमारे साथ रहेगी लिंगशिट तक। अगर निम्मू वाला रास्ता होगा तो पूरा रास्ता साथ रहेगी, ये पूरा रास्ता जाएगा निम्मू पर, जो जंस्कार निकलती है निम्मू पे निकलती है ये जाके, और वहाँ पे संगम होता है इसका इंडस रिवर के साथ, जहाँ संगम पॉइंट है। तो यही रिवर है जो आपको मिलेगी आगे। सामने है करसा मोनेस्ट्री, करसा गोम्पा वो सामने है। तो पिछले बार गया था, आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख लीजिए 2021 में, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ से पूरा वैली का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आता है। वो ये गोरखा वाले भाई गोरखा को लेके जा रहे हैं लेव को, ये भी हमारे साथ ही चल रहे हैं और हमारे होटल में ही रुके हुए थे भाई। इंदौर से हैं ये, दो गोरखा आई हुई हैं गाड़ी 4x4। तो ये देखिए व्यू देखिए पहाड़ का, पूरा मिट्टी बह के आके पूरा वो जैसे ग्लेशियर बनता है ना वैसे बना हुआ। और ये पेट्रोल पंप पदुम में, दो पेट्रोल पंप है, एक तो कल हमने पेट्रोल डलवाया था वो जो मार्केट के बिल्कुल जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर ही है, और दूसरा ये पेट्रोल पंप है, ये 6-7 किलोमीटर है 6 किलोमीटर के बाद। और ये ले वाले रूट पे मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा आपको कारगिल वाले रूट पे। और ये व्यू देखिए यार, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट, इतना ब्यूटीफुल विलेज है ये। ये इसका नाम है स्टोंडे, पदुम के बाद ये पहला विलेज हमें दिखाई दिया है। और ये खच्चर घूम रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी है। और ये सारे यहाँ पे खेती करते हैं, यहाँ पे ये जितने फील्ड्स हैं सब लोग यहाँ पे अपना फार्मिंग करते हैं और अपना रहते हैं मस्त वादियों के अंदर। जांगला यहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 17 किलोमीटर तक ये मेटल रोड आपको मिलेगी, उसके बाद कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड को चौड़ा होने का काम चल रहा है। तो बता रहे थे भाई लोग कि आधा आधा घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कटिंग शुरू हो जाती है तो ट्रैफिक को रोक देते हैं। अब देखो लक होगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो रुकना पड़ेगा हमें भी। और ये पहाड़ देख लो यार, ग्रेट हिमालयस, क्या कटिंग है इसकी। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये आपको स्पीति जब जाते हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, वहाँ बहुत मिट्टी के पहाड़ हैं वहाँ तो सारे। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं तो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने शायद पहले वो पुराना ब्रिज था वहाँ पे, अब ये नया ब्रिज बन गया है। तो ये जांगला का चेक पोस्ट है, यहाँ पे अब हम अपनी बाइक की एंट्री कराएंगे और उसके बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। और जब मैं आया था पिछली बार तो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब तो बन गई है काफ़ी। कहाँ गया भैया? तो अभी तक तो काफ़ी बढ़िया मेटल रोड थी और ये अब ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। और पिछली बार जब मैं आया था तो जांगला तक सिर्फ मेटल रोड थी, उसके 10-12 किलोमीटर बाद और रोड बन चुकी है और रोड बहुत नैरो थी, अब रोड भी काफ़ी चौड़ी कर दी गई है। पहले सिंगल लेन थे, अब डबल लेन का काम हो रहा है। जब पिछली बार की वीडियो आप देखेंगे मैं आपको दे दूंगा अपना लिस्ट, प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें आप देखना पिछली बार और अब के बार में बहुत ही डिफरेंस है रोड का, अब ये पूरी ऑफ रोड है। और पिछली बार तो सिंगल रोड थी, बहुत छोटी नैरो रोड से जा रहे थे हम। इस रूट का सबसे डेंजरस पार्ट शुरू हो गया है और नीचे मेरे लेफ्ट हैंड पे इतनी गहरी खाई है और जंस्कार रिवर चल रही है हमारे साथ साथ और पहाड़ को काट के चौड़ा किया जा रहा है। और पहाड़ों से आप अगर छेड़छाड़ करोगे तो बहुत दिक्कत होती है बाद में, बारिशों में तो 100% बहुत कुछ हो जाता है, आप न्यूज़ पर सुनते ही होगे, पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ जाता है। और ये थोड़ा डेंजरस पार्ट है, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 8-10 किलोमीटर का है ये पैच। कलीमा डैम आएगा जांगला से जो कि है 28 किलोमीटर है। ये आ गया कलीमा ब्रिज, इनॉग्रेटेड बाय राजीव सिंह, कर्नल राजीव सिंह। तो पूरी रोड चौड़ी होने का काम शुरू है, बहुत फ़र्क हो गया जब पहले आया था और अब मैं
पता ही नहीं चल रहा कि पिछली बार आया था वही रोड है, बिल्कुल चेंज हो गई है, डबल रोड हो गई है। पहले तो बड़ा खतरनाक था, 21 में जब करते हैं ना मज़ा आता है उसमें, तो बहुत छोटी नैरो रोड थी बिल्कुल। तो सामने जेसीबी नज़र आ रही है। अच्छा, ये हम सीधे गए थे, ये अब चेंज हो गया लग रहा है, पहले हम सीधे गए थे, वहाँ जेसीबी का काम चल रहा है रोड चौड़ा करने का। अब ये शायद नीचे से रास्ता कोई निकाल दिया नदी के साथ से। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, इसका मतलब है कि ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, लामा के देश में अपना नॉर्मल चलो भाई। ट्रैफिक रोक रखा है आई थिंक। बजे हैं 12 और 11 बजे इन्होंने पहले ट्रैफिक छोड़ा था और अब बोल रहे हैं कि अब 1:30 बजे छोड़ेंगे, इस समय 12 बजे, 1.5 घंटे तक अब हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। ये पूरा लेवलिंग कर रहे हैं, बहुत पूरा ये स्लोप बना रखा है नीचे। गाइस 1 आवर हमें यहाँ पे रुकना पड़ा और 1 घंटे बाद ये रास्ता खोला गया है, वो भी ये BRO वाले आगे, नहीं तो अभी और हमें 1-1.5 घंटा बता रहे थे लगेगा। तो लास्ट टाइम मैं इस रूट से गया था जो ये पीछे अपना लेफ्ट हैंड को चला जाता है लिंकशेड को, और ये आगे जाके फिर सीधा लिंकशेड मोनेस्ट्री आती है और लिंकशेड पास आता है और उसको क्रॉस करके जाते हैं तो फिर सिंगला पास और फिर सिलसिला पास। और ये नया रूट बना है, हम जब 2021 में आए थे तो यहाँ तक हम आगे थे, आगे देखा तो JCB कटिंग कर रही है, तो यहाँ से वापस गए थे फिर नीचे। ओहो हो, रेत 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 रेत, बीच बीच में रेत दिक्कत करती है, पथरीला रास्ता दिक्कत नहीं करता, रेत बैलेंस नहीं बनाने देती। क्लिफ हैंगर्स जो ये नए मिराक वाले नए रूट पे बनाए हैं, ये पूरे क्लिफ हैंगर्स हैं, चट्टान को काट के ये रास्ते बनाए हैं, तो ये फिर भी सेफ रहते हैं, या इसमें लैंडस्लाइड होने के चांस नहीं होते। छोटे पहाड़ होते हैं जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, वहाँ सबसे डेंजरस रहता है। BRO 1 व्हीकल एट टाइम, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। एक मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है, टॉयलेट ब्रेक, तो यहाँ टॉयलेट की गाड़ी देखी मैंने कहा चलो, और साथ में है वहाँ पे टी कॉफ़ी चाय भी पी लेते हैं। झूले मिंटी कौन सी है ये, रोज टी मिंटी, रोज़ टी पुदीना, पुदीना पुदीना वाला तो रोज़ टी है, रोज उसमें क्या क्या डालते हैं, उसमें गुलाब फूल पड़ेगा आपका, चीनी देंगे आपको आप अपने हिसाब से, और चाय पत्ती भी डालते हैं, पत्ती नहीं वो दूसरा वो पड़ता है, टी पैक डालते हैं ना, टी पैक। अच्छा अच्छा, कितने का है, 50 दे दो एक। आज कहाँ से है, पदुम से? हाँ पदुम से, हम भी आज पदुम से आया था। अच्छा, रोड बना रहा है ना, हाँ वो हमें 1 घंटा वहाँ रोक दिया, बहुत ट्रैफिक रुका हुआ वहाँ, तो अभी आ रही है 10 गाड़ी आ रही है कब से, हम